कमांडो की हीरोइन संग एक दिन। फेमिना मिस इंडिया का आशियाना। पूजा चोपड़ा की डियर जिंदगी। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2009 रह चुकी पूजा चोपड़ा, जिन्होंने ब्यूटी विद अ पर्पस का भी ताज जीता है। आप फिल्म कमांडो में देख चुके हैं, जिन्होंने निभाया था सिमरत सरबजीत कौर का किरदार। उन्हें आप जहां चार यार में भी देख चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 2020 में वेब सीरीज पॉइजन 2 भी की है, यानी कि कलाकार एक जिनके हैं किरदार अनेक। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है पूजा चोपड़ा के घर पर, कह रही उन्हें गुड मॉर्निंग। तो आज पूजा घुमाएंगी अपना खूबसूरत आशियाना, जो उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। के अलावा करेंगे यमी यमी नाश्ता, बिताएंगे मस्ती भरा दिन। और साथ ही खेलेंगे मजेदार खेल भी। और यमी यमी खाने का मजा भी उठाने वाले हैं, यानी कि आज का दिन होने वाला है एकदम मजेदार। तो चलिए सीधा चलते हैं पूजा चोपड़ा के घर पर, करने उनके साथ ये फन डे आउट। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सास बहू और बेटियां में। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज की हमारी गेस्ट है वेरी ब्यूटिफुल द वेरी गॉर्जियस एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा, जिन्होंने 2009 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल जीता था। एंड ऑल्सो शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू वी विन द ब्यूटी विद पर्पस टाइटल एज वेल। तो आइए आज उनसे मिलते हैं हम। आज हम पूरा एक दिन उनके साथ स्पेंड करने वाले हैं। हम आ गए उनके घर के बाहर, अब हम उनके घर की घंटी बजाएंगे, उनसे मिलेंगे, आज पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करेंगे और जानते हैं कि पूजा चोपड़ा ऐसे फ्री डे में करती क्या है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। प्लीज कम इन। तो भाई सबसे पहले पूजा के होम स्वीट होम की सैर कर ली जाए। वैसे आपको बता दे, घर की हर एक चीज, हर एक कोना, हर एक दीवार पूजा ने अपने हाथों से डेकोरेट की है और हर एक चीज वो खुद चुन कर लाई है। भाई लॉकडाउन के दौरान ही वो यहाँ पर शिफ्ट हुई है और ऐसे में उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है, पूरे दिल से। आपने तो मेरी सुबह और सुंदर बना दी। थैंक यू फॉर कमिंग। दिस इज माय छोटा सा घर। बहुत सुंदर लग रहा है आपका। थैंक यू। यू नो, इस घर की इतनी कहानी है। सो ये मैंने 2013 में बुक करी थी। माय नानी एंड मी हैड गिवन, एक टोकन आके दिया था हमने 2013 में, और कोविड में मुझे पोजेशन मिली है। तो आर्किटेक्ट्स अलाउड नहीं थे, कारपेंटर्स अलाउड नहीं थे, तो मैंने खुद
दुकानों में जा जाके, फैक्ट्रीज में जा जाके, शोरूम में जा जाके, एक एक चीज़, इनफैक्ट मतलब जो डिटेलिंग है ना, मतलब मैं क्या ही डिटेल, आई लव हॉर्सेस, मुझे हॉर्सेस बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहाँ पे वो दिख रहा है आपको हॉर्स, हाँ, सो लाइक छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे वो क्या कहते हैं, दिल डाला है पूरा अपना, हाँ पूरा ये मेरे डैड नेवी में थे, सो दिस इज़ जस्ट लाइक अ लिटिल मोमेंटो इन सम वे फॉर हिम, लाइक थोड़ा थोड़ा आर्ट इन सम वे, आई ट्राई टू गिव इट अ लिटिल रस्टिक ग्री, आई लव नेचर, आई लव नेचर, हाँ मतलब मेरे को पहाड़ों में छोड़ दो मैं वापस ही ना आऊँ, तो फिर मैंने ये ग्रीन किया, वेरी कामिंग ऑल्सो, मतलब इट जस्ट सूथ्स यू, और फिर या द वाइब इज़ लाइक, एंड देन फिर ये थोड़ा नेचर रेफरेंस देने के लिए ये पेंटिंग बहुत ढूंढा यार, बहुत, पर बहुत मज़ा आया क्योंकि 2020 में ना कोविड के दौरान हमारे यहाँ वैसे ही सारा काम बंद था, तो गिल्ड के बिना मैं भयंदर दहीसर जा जाके छोटी छोटी चीज़ें, इनफैक्ट यू नो इवन द चेयर्स, ये सारी कुर्सियाँ ये कस्टम मेड है, ये कुछ रेडी नहीं है, ये मैंने ये कपड़ा सिलेक्ट किया, ये फॉन्ट, ये फार्मा सिलेक्ट किया, मुझे इसमें ऐसा पेंट चाहिए, इसमें से रगेड पेंट चाहिए, इसमें मुझे फ्लावर्स और बर्ड्स चाहिए, क्या कलर्स चाहिए, एवरीथिंग ये डिजिटली उनसे बनवाया, कस्टमाइज्ड एंड डिजिटली हमने उनसे हर, ये भी कस्टम मेड है, लाइक एवरीथिंग, ये बिकॉज वुड का फील देना था, नेचर का फील देना था, माउंटेन्स, यहाँ शाम में ना बैठने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, काफ़ी लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, जिम बहुत अच्छा है, मेरा ये पूरे बिल्डिंग में, बिल्डिंग तो बकायदा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बट ये पूरे बिल्डिंग में मेरा फेवरेट जगह इज़ द जिम, ये है हमारा किचन, जहाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाती मुझे चाय बनाना भी नहीं आता, ये है हमारी प्रवीणा आंटी जो हमें बहुत लाड प्यार से बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बना बना के खिलाती है सो स्वीट आंटी, आपने हमारे लिए चाय बनाई, चाय रेडी है, अरे वाह देखो आज आंटी ने ढोकला बनाया है, उपमा बनाया है, दो दो टाइप के ढोकले बनाए हैं, हमारे देहरादून से कुकीज़ आंटी ने निकाले हैं आप लोगों के लिए, सो स्वीट, ग्रीन टी भी ऑप्शन में है, और आंटी चाय है कॉफ़ी, आओ गरम है चाय, अरे वाह चाय भी रेडी है आंटी, दे दो हम सबको चाय दे दो, तो ये हमारा किचन है छोटा सा प्यारा सा, यहाँ पे थ्री बुद्धा बैठे हैं क्यूट वाले हाँ बस ऐसे ही लाइक यू नो जस्ट पॉजिटिविटी इन वन कॉर्नर, पॉजिटिव यू नो, बड़े क्यूट है ये, देखो तो इतनी क्यूट से लगते हैं ना, लाइक यू लुक इट देम एंड आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, ऐसे क्यूट से ऐसे बैठे हैं ये लोग, डार्क चॉकलेट्स विच इज़ हेल्थी, तो दो तीन बार जब अगर कभी मन करे तो दो तीन बार आई विल हैव लाइक, और मोस्टली आई थिंक हेल्थी ही होता है सब, डेट्स चटनी ढोकला दही हाँ, बट नथिंग आपको कुछ अनहेल्थी काइंड नहीं मिलेगा, हम ना आंटी हमारे लिए फ्रेश फ्रेश बनाती है सब कुछ, हम वो खा लेते हैं ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट, ये हमारा बेडरूम है, इसकी फ्लोरिंग हमको वुड करनी थी तो हमने इसको सिलेक्ट करके वुडन फ्लोरिंग करी, अब माउंटेन्स तो होगा ही, जहाँ हम होंगे वहाँ माउंटेन्स होंगे, पहाड़ होंगे, ये हमने हाथ से बनवाए, एक पेंटर है पवित्रा जी, शी इज़ अ वेरी सीनियर पेंटर, तो उन्होंने 2 महीने लगाए ये बनाने में, मैंने उन्हें एक रेफरेंस दिया था कि मुझे किस, मुझे यू नो क्लाउड्स चाहिए, पेड़ चाहिए, पहाड़ चाहिए, थोड़े पहाड़ दिखने चाहिए, थोड़े नहीं दिखने चाहिए, तो एक रेफरेंस दिया और उन्होंने 2 महीने लिए और इतनी सुंदर सी पेंटिंग बनाई, ये मुझे हमेशा बताता रहता है कि जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा कमाओ, अच्छा अच्छा काम करो, फिर हम पहाड़ में जाएंगे फिर से, मैं छूटते ही पहाड़ में भाग जाती हूँ, 2-3 महीने हुए कुछ काम नहीं, हफ्ता जिसमें भाग जाओ पहाड़ों पे। ओके सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय फैमिली, सो दे थिंक कि मी एज अ पर्सनैलिटी, मेरे 2 पहलू हैं, एक तो बहुत नटखट मस्तीखोर ये बच्चा है, और एक जो बहुत ग्रेसफुल और बहुत एलिगेंट है, तो ये दिस इज़ ऑल्सो डन बाय पवित्रा, बट ये मेरी फैमिली ने मुझे गिफ्ट किया है कि ये दिस सिग्निफाइज़ यू, मतलब ये आपको बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है, तो स्वीट, और ये मेरी, ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी मिस इंडिया की पिक्चर है, लेकिन हाउस वार्मिंग में ये मेरी 15 साल की नीस ने मुझे गिफ्ट किया,
कि दिस इज़ हर आइडल एंड देन इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। बाकी चांद तारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चांद आपको अंदर मिलेगा, तारे और क्लाउड्स यहाँ पर हैं। दिस इज़ हैप्पी, लाइक यू वेक अप एंड देन यू सी हैप्पी। ये टाइल्स भी मतलब बहुत ही अलग तरीके के हैं, रस्टिक, ये नॉर्मल आपको कहीं नहीं दिखेंगे। जो आता है वो ये टाइल्स में मतलब पागल हो जाता है कि ये आपने कहाँ से लिया, तो फिर उसको पूरा फील वैसे रस्टिक दिया, वो पत्थर का सिंक है एंड देन लाइक लाइट्स। हाँ, ये आधे हील्स हैं यहाँ पे, आधे हील्स आधे बैग्स आधे दूसरे जगह पर है। हाँ ये फिलहाल नहीं, मैंने तो गिनने की कभी परवाह नहीं करी, मतलब बिल्कुल ही परवाह नहीं करी गिनने की, जरूरत ही नहीं है गिनने की, क्यों गिनना है। प्रिटी ना, आई लाइक दिस रूम, आई लव दिस रूम, मतलब इधर इधर मतलब मैं खा भी सकती हूँ, सो भी सकती हूँ, काम भी कर सकती हूँ, सब कुछ। अगर खुद से रेडी हो रही हो तो 20 मिनट्स, अगर पूरी टीम आए तो ये वो लोग फिर आराम से, मतलब मेरा मेकअप आर्टिस्ट एम एफ हुसैन बन जाएगा, तो फिर ये लोग 1.5 घंटा लगाते हैं, लेकिन मैं मुझे 20 मिनट लगते हैं। हमारे प्रवीण आंटी का बहुत ही फेमस ढोकला, खमन ढोकला एंड येलो फ्लैट ढोकला, और ये मेरा टेस्टी मतलब मेरा फेवरेट है। सो देन मैंने कहा कि आप लोग सबके लिए भी यही ऑर्डर करें। वेरी सॉफ्ट एंड वेरी हेल्थी, स्टीम्ड, वेरी वेरी हेल्थी और वेरी टेस्टी। वेरी यम, वेरी यम। चेंज करने के लिए ताकि हम हमारा मजेदार फन वाला डे स्टार्ट कर सकें। तो भाई घर घूम लिया, यमी यमी नाश्ता भी कर लिया, अब बारी है सैर सपाटा करने की। तो भाई झटपट चेंज कर पूजा हो गई है तैयार मस्ती करने के लिए, और ऐसे में वो पहुंच गई है अपनी गाड़ी में। तो आइए देखते हैं कि ट्रैवलिंग का ये समय पूजा किस तरह से बिताती है। गाड़ी में एडवेंचर नहीं, गाड़ी इज सेकंड होम, क्योंकि हम यहाँ इतना टाइम बिताते हैं, इतना टाइम बॉम्बे में, बॉम्बे का ट्रैफिक, एक जगह से दूसरे जगह जाने में कुछ नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा तो लगता है, कम से कम। तो ये है हमारा तकिया, छोटा वाला बेबी तकिया, ये है हमारा सॉफ्ट सा ब्लैंकेट, और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है जैसे बिस्किट हो, सैनिटाइज़र, हैंड क्रीम, लोशन, पानी, सैनिटाइज, सब आपको मिल जाएगा, माउथ फ्रेशनर, सब आपको गाड़ी में मिल जाएगा। और फिर अब ऐसे ऐसे करके ऐसे सो जाओ, खत्म। ये बिजनेस क्लास सीट्स जैसे कंफर्टेबल एकदम, सो जाओ, कोई नहीं, शांति, एकदम शांति सो जाओ, शांति। जब अगर बिल्कुल नींद नहीं आ रही हो तो रेडियो चला देती हूँ, देन रेडियो वट एवर यू नो, जो लेटेस्ट गाने चल रहे होंगे, जो यू नो हिट चल रहे होंगे नंबर्स, तो फिर वो चलते रहते हैं, फिर तो कुछ भी चला लो। बट ऐसा 99% नहीं होता, क्योंकि हम लेते हैं ये हमारा सॉफ्ट सा ब्लैंकेट और हम चले जाते हैं हमारे सपनों की दुनिया में, लाला लैंड में चले जाते हैं और सो जाते हैं। 5 मिनट पहले हमें बता देते हैं कि पहुंचने वाले, तो फिर हम उठ जाते हैं, बाल बाल धोने संवार लेते हैं, आईने में शक्ल देख लेते हैं, लिप बाम थोड़ा लगा लेते हैं, ये इसको ऐसे गुचड़ मुचड़ करके बाजू में फेंक देते हैं और फिर चले जाते हैं काम पे। कमांडो के लिए मैंने मेरा फर्स्ट शॉट, पहली फिल्म का पहला सीन, पहला शॉट इन लोग ने शुरू कर दिया रोने से, और वो भी एकदम दिल टूटने वाला रोना, मतलब हीरो को मार दिया है, उसको ऊपर से फेंक दिया है, वो मर गया है, वो कभी नहीं आएगा, तो मतलब वैसा वाला रोना। अब मैं रो तो लूँ नहीं, मेरे आंसू जल्दी आते नहीं हैं,
या तो अगर मेरे को कोई इमोशनल मूवी दिखा दो तब गंगा बहेगी, या तो फिर अगर कोई डॉगी दिखा दो लाइक एकदम ऐसे बीमार सा तो फिर गंगा जमुना बहेगी, बट अदरवाइज मेरे को रोना नहीं आता है जल्दी। तो अब मैं सोचूं भैया कैसे रो, तो मैंने सारे सारे सैड सैड गानों की एक प्लेलिस्ट बनाई, तुझे सब है पता है ना मतलब मतलब शूट में रोए जो रोए उसके अलावा भी मेरे को लगता है एक टब तो भरी होगा उसे गाने सुनते सुनते। सो या तो इट इज सीन बेस्ड, हमारी प्लेलिस्ट सीन बेस्ड के हिसाब से होती है। सो वी रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन। Anita, are you ready to take the challenge? Because we all know who's winning. तो भाई सफर तय कर हम पहुंच गए हैं द गेम ब्रंच हीरानंदारी में, जहां पर आज बच्ची बन पूजा खेलने वाली है खेल और करेंगी ढेर सारी मस्ती भी। भाई यहां पर देखा पूजा का हॉर्स लव, इधर भी मिल गए आरसी। आई लव हॉर्सेस, आई लव 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 हॉर्सेस, आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट देम, मतलब इतने मैजेस्टिक लगते हैं, इतने सुंदर, इतने प्यारे और दिल के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ, महालक्ष्मी रेस कोर्स है यहाँ बॉम्बे में और मैं वहाँ जाके हॉर्स राइडिंग करती हूँ। एक बार आपकी और एक घोड़े की मेंटली ट्यूनिंग हो गई, देन यू फील दैट यू नो यू आर राइडिंग द विंड, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। मुझे मेरी गोलंद्रीना स्नोफ्लेक सब याद आ रहे हैं जो मेरे महालक्ष्मी में हॉर्सेज हैं जिनको मैं राइड करती हूँ। तो बाद में होगा, सबसे पहले कर ली जाए पेट पूजा। भाई इतना यमी खाना हो तो ऐसे में पूजा भला खुद को कैसे रोक पाएंगी। जनता मेरी नॉर्मल आदत है, टेबल पे जितने खाने के आइटम आते हैं चाहे वो कोई भी ऑर्डर करे वो सब पहले मैं चखती हूँ और जो सबसे टेस्टी होता है वो मैं ले लेती हूँ। और जी नहीं, मुझे वो किसी और का खाना या ड्रिंक हड़पने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैं बेशर्म मुझे से हड़प लेती हूँ। सास बहू और बेटियां की रिपोर्टर संग पूजा ने लगाया है कंपटीशन, कौन अच्छी बोलिंग करेगा और किसके ज्यादा स्कोर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बोलिंग गेम। जब हम छोटे होते हैं हम गेम्स खेलते हैं राइट, और वो ही गेम के जो रूल्स होते हैं वही हम बड़े होके सीखते हैं। तो जब मैं छोटी थी ना तो मैं कच्चा लिंबू थी और हमेशा एक जन था मेरे को हेल्प करने के लिए, तो मैं एक जन को ले लूं क्या इधर से मुझे हेल्प करने के लिए कच्चा लिंबू। मेरा स्कोर 9, अनीता का स्कोर, आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। अंडा डक नाच लो डक 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 ना 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 ज्यादा नहीं नाचना जी और 9 चांसेस बाकी हैं।
हार जीत तो लगी ही रहती है, जाते जाते हो जाए पिज्जा पार्टी। आज मैंने अनीता को कि फेयर कैसे खेलते हैं, अच्छे से कैसे खेलते हैं, बिना चीटिंग करे कैसे खेलते सिखाया। आई होप कि अगले उसके गेम्स में वो ये फॉलो करे। और चीटर तब तक आप प्रैक्टिस कर लो कैसे खेलते तो अभी इस मीटिंग के बाद अनीता का हृदय परिवर्तन हो गया है। वो पहले चीटर थी, अब वो सारे गेम्स जो खेलेगी बहुत ही फेयर तरीके से खेलेगी। सो अनीता यू आर वेलकम। तो जैसे कि हमारी क्या व्हाट यू कंडीशन थी कि अगर मैम जीतेंगी तो मैं ट्रीट दूंगी और अगर मैं जीतूंगी तो ये ट्रीट देंगी। हालांकि टेक्निकली तो मैं ही जीती हूँ क्योंकि फेयर प्ले तो मैंने किया था, लेकिन वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत अच्छा है तो इसलिए मैं ही ट्रीट दे रही हूँ। सो हियर इज तो ये ऐसे हमने बताया हमारा प्यारा सा मस्ती भरा दिन। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड मिलते हैं जल्दी सास बहू बेटियां पर एक अच्छे मज़ेदार एपिसोड में जहां मैं जीतूंगी। तो भाई उम्मीद है कि पूजा चोपड़ा के बारे में आपने जानी होंगी बहुत सारी चीजें और सास बहू और बेटिया संग इनका दिन काफी मजेदार रहा। भी आशा करते हैं कि बहुत जल्द पूजा एक नए किरदार में आप सबको एंटरटेन करने जरूर लौटे। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।